Okay, student, we have completed 3 lecture in this chapter. Okay, at the last lecture 4, topic is words problem. Good morning, student. Once again, warm welcome. Okay, beta. आज हम लोग discuss करेंगे beta. Totally मैं इसके topics अभी complete करा चुका हूँ beta. आज हम discuss करेंगे words problem को लेकर कि किस type के question हमने deal कराएगा linear equation in 2 variable में beta. तो सबसे पहले first example समझते beta. First example में लिखा, if the work done by a body on application of a constant force. उसने कहा कि if a work done by a body on application of a constant force, एक body है जिस पर एक work complete कर रहा है, इस पर force apply हो रहा है, वो भी constant force apply हो रहा है, वो कह रहा है जो work है is directly proportional to the distance travelled by the body. जो body है जिसके according वो distance travel कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली क्या बेटे प्रपोजनली है, यानी जो वर्क है वो प्रपोजनली है किसके बेटा डिस्टेंस के. देन एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 6 यूनिट्स. रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज फर्स्ट पॉइंट 3 यूनिट्स एंड सेकेंड पॉइंट इज 0 यूनिट्स. देखिए बेटा आपको इस क्वेश्चन में क्या डील करना चाह रहा है बेटा. उसने कहा कि आपके पास जो बेटे फोर्स है, जो वर्क है, ये वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है किसके बेटा डिस्टेंस के है. तो डिस्टेंस के और जिसमें उसने वर्क बताया, जो वर्क है आपके पास मैंने लेट कर लिया, जो वर्क डन है वो कितना बेटा मेरे पास वाई यूनिट्स है, और जो मेरे पास जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल करा वो कितनी होगी बेटा मेरे पास एक्स यूनिट्स होगी. तो बच्चे उसने कहा था जो वर्क है ना वो प्रोपोर्शनली है किसके बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली था डिस्टेंस के. तो यानी वाई प्रोपोर्शनली किसके आ गया बेटा एक्स के आ गया, वाई प्रोपोर्शनली एक्स. तो इट मीन जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कितनी आती कंडीशन वाई इज इक्वल टू एक्स. पॉइंट क्लियर हो गया नहीं हो गया. देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो वाई इज इक्वल टू जो वाई प्रोपोर्शनली एक्स लिखा हुआ है आपके पास वो किसके इक्वल आ गया बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए वाई प्रोपोर्शनली एक्स. जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो बेटा क्या आता है कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आती है. कांस्टेंट क्वांटिटी क्या अप्लाई की अपने के, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपके पास के एक्स, वेयर k इज ए क्या बेटा यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट हो गया. अब उसने कहा था जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट क्वांटिटी k थी उस पर कितने यूनिट का कहा था, उसने कहा था टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 6 यूनिट्स. लिखा ना जो कांस्टेंट फोर्स होना क्योंकि जो के आया दिस इज ए कांस्टेंट फोर्स, और जो कांस्टेंट फोर्स है उसमें कितने का यूनिट का उसमें 6 यूनिट्स का. तो इट मींस यहाँ पे के की रिप्लेस पे आपको क्या करना बेटा 6 यूनिट्स अप्लाई कर देना. तो कर दीजिए के रिप्लेस पे 6 यूनिट्स, तो इट मींस वाई इज इक्वल टू कितना गेट हो गया आपके पास 6x. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वैल्यू गेट हो गया अब आपको. ठीक है, जो उसने हमसे पूछा था कहा था रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन है ना बेटा बाय द कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट उसने कहा लेके बताओ 3 यूनिट्स पर कितना होगा उसका आपका वर्क डन, यदि फोर्स कितने यूनिट का अप्लाई हो जाता है आपके पास, सॉरी जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स कवर कर ले, यदि वो डिस्टेंस 3 यूनिट्स कवर कर लेता है तब उस पर फोर्स कितने का अप्लाई, सॉरी उस पर वर्क डन कितने का होगा. तो वर्क डन बताया उसने एक्स इज इक्वल टू अपने 3 पुट किया क्योंकि डिस्टेंस कवर की थी उसने, वाई बताना इट मींस वर्क बताना था वर्क इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 6 × 3, तो यानी कितना है बेटा 18 यूनिट्स हो गया. सेम सेकंड पार्ट किसके लिए कहा उसने आपको एक्स यूनिट्स के लिए, तो वाई पुट कर दीजिए एक्स इक्वल टू 0 क्योंकि डिस्टेंस है, तो वाई इक्वल टू 6 × 2 कितना आ गया बेटा 0 यूनिट्स हो गया. ओके, अब वो कह रहा था बच्चे इसे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो जब मुझे इसे ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा इस पॉइंट को. देख बेटा ग्राफ करने के लिए फिर से वाई इज इक्वल टू कितना होगा मैंने 6x ले लिया, अब फिर से वही पॉइंट एक्स वाई की टेबल बनाई मैंने बेटा, एक्स वाई की टेबल में एक्स यही पॉइंट ले लीजिए जो उसने गिवन किए थे 3 और 0 वाले, यही एज इट इज ले लीजिए. एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 0, एक्स की 3 पे वाई की वैल्यू 18, पॉइंट बन गया 0 0 और 3, 18. ड्रॉ कर दिया ऑन द ग्राफ पेपर. ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वाले लेक्चर में कि कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कंडीशंस को ऑन द ग्राफ पेपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके बेटा समझ में आ गया बच्चों बात. तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या डील कर दें, इसमें क्वेश्चन में केवल उसने मुझे ये बताया था बेटा कि आपके पास कोई वर्क था, जो वर्क था वो प्रोपोर्शनली था डिस्टेंस के. तो बस ये ध्यान रखा जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा बच्चे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी आप बोलते हैं के, ये जो के आया ना दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स है, बस ये क्या है कांस्टेंट फोर्स, और इस कांस्टेंट फोर्स की उसने वैल्यू बताई थी कितनी बता रखी थी बेटा 6 यूनिट्स, बस के रिप्लेस पर 6, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए और फिर एज इट इज पॉइंटों को फॉलो करते चले गए और इसका सॉल्यूशन गेट करते चले गए. ओके बेटा चलते बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या डिस्कस करा रहा बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करते हैं. उसने लिखा क्या बेटा, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड
कैन बी मेजर्ड इन कैल्विन यूनिट्स एज एक्स डिग्री कैल्विन और इन ए फेरेनहाइट यूनिट्स एज ए वाई फेरेनहाइट. द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन. उसने एक रिलेशन बता दिया कैल्विन में और बेटा आपके पास फेरेनहाइट में. ये रिलेशन बताया उसने कि y इज इक्वल टू 9/5 एक्स माइनस 273+32. ये उसने रिलेशन बताया बेटा आपको, ठीक है ना. अब इस रिलेशन में कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फेरेनहाइट. आपको क्या फाइंड करना बेटे, फेरेनहाइट में लिक्विड फाइंड करना है, ठीक है ना. लिक्विड का टेम्परेचर बताना है फेरेनहाइट में यदि बॉडी का टेम्परेचर 313 केल्विन हो. तो देख बच्चे कैसे बताएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. पॉइंट को ध्यान से समझ बेटा, इस क्वेश्चन को डील करेंगे. उसने आपको क्या कहा, आपको उसने एक रिलेशन बताया, एक बताया आपको उसने केल्विन में और एक लिखा उसने फेरेनहाइट में. केल्विन को रिप्रेजेंट किया उसने बेटा वाई से, ठीक है ना. सॉरी, केल्विन को रिप्रेजेंट किया उसने बेटा आपके पास एक्स के से, ठीक है, और फेरेनहाइट को रिप्रेजेंट किया उसने वाई से. तो यानी वाई इट्स फेरेनहाइट. फेरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 एक्स, एक्स मीन्स केल्विन माइनस 273+32 हो गया. तो पहले पॉइंट में टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फेरेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 313. तो यानी बेटा मुझे बॉडी का उसने टेम्परेचर दे दिया है. क्या दे दिया, बॉडी का टेम्परेचर कितने केल्विन, 313 केल्विन. केल्विन का मीनिंग कितना दे दिया, एक्स. एक्स की वैल्यू उसने डिफाइन कर दी कितनी बेटा, 313. तो इस फॉर्मूले में जो रिलेशन था, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए. जब आप इस वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली कंडीशन कितनी आ गई, y इज इक्वल 9/5 313 माइनस 273 प्लस के 32. कैलकुलेट कर लीजिए. कैलकुलेट करके y इज इक्वल टू आपको गेट हो जाएगा 104 फेरेनहाइट. यानी आपको फेरेनहाइट गेट हो गया जब उस लिक्विड का केल्विन में टेम्परेचर 313 डिग्री केल्विन था, तो फेरेनहाइट में कितना होगा, 104 फेरेनहाइट, ठीक है. अब उसने कहा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. सेकंड पॉइंट क्या कह रहा बेटा मेरे से, देखिए सेकंड पॉइंट उसने डिस्कस किया, इफ़ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फेरेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन. अब मुझे किस पर फाइंड करना है, केल्विन. केल्विन का मतलब क्या फाइंड करना है, केल्विन का मीनिंग क्या, एक्स फाइंड करना है मुझे. क्या फाइंड करना है बेटा, एक्स. तो रिलेशन तो मेरे पास ये लिखा हुआ, ये रहा रिलेशन मेरे पास. क्या रिलेशन, वाई इज इक्वल 9/5 एक्स माइनस 273+32. ये रिलेशन है मेरे पास. तो देख बच्चे कैसे करेगा, बच्चे सिंपल सी बात है, वाई के रिप्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर दे. कितने देखा उसने फेरेनहाइट में, 158 डिग्री वैल्यू पुट कर दी. वाई इज इक्वल टू 158 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर लीजिए. क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल वैल्यूएबल वन साइड यूज़ होते हैं और कांस्टेंट क्वांटिटी वन साइड यूज़ होते हैं. कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू गेट हो जाएगी 343 डिग्री केल्विन. तो ये था क्वेश्चन टेम्परेचर का. तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपने वर्क डन का किया है, सेकंड क्वेश्चन आपने टेम्परेचर का क्लियर किया. यदि वर्क डन का क्वेश्चन आता है तो उस टाइप से सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को डील करेंगे. बस ये ध्यान रखना है रिलेशन किनके बिटवीन हैगा. वर्क डन में वर्क प्रोपोर्शनली था वहाँ पे बेटा डिस्टेंस के. यहाँ पे जो है आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन किया है उसने, गिवन ये किया कि जो आपके पास फेरेनहाइट है, फेरेनहाइट का रिलेशन किसके साथ बना रखा है, नहीं फेरेनहाइट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केल्विन में दे रखी है उसने बेटा. ओके बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा. ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बेटा, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हैं दोनों. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ एग्जाम. अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चे. नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम रीड करते हैं बेटा क्या लिखा है बच्चे. उसने कहा गिवन दैट द पॉइंट 1, 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर. बेटा एक कहा उसने, एक पॉइंट गिवन कर दिया 1, 2, तो वो पूछ रहा है कि बताओ मुझे वे लाइनें बताओ जिस पे ये पॉइंट लाइज करता होगा. तो बेटा एक पॉइंट गिवन है और वो पूछ रहा है कि वे लाइनें बताओ जिस पे ये पॉइंट गिवन होगा. तो इस तरह की लाइनें इनफाइनाइट होती है बेटा, क्योंकि जब भी एक पॉइंट आपको गिवन करेगा ना और उससे इक्वेशन पूछ लेगा लीनियर इक्वेशन, तो उस सिचुएशन पर ध्यान रखना कि वो पॉइंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फाइंड करता है बेटा, ठीक है ना. यानी इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करेगा, यानी वो जो पॉइंट होगा वो लाइज करेगा इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन पर. क्लियर होगी बात है. तो यानी 1, 2 लाइज करके है किस पे बेटा, इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन पे. और वे इनफाइनाइट क्या हो सकती है, वे इनफाइनाइट लिखी जाती है बेटा जो इस 1, 2 को लाइज कराएगी. लाइज करने का मतलब क्या है कि वो इक्वेशन इस पॉइंट से क्या हो रही होगी, सेटिस्फाई हो रही होगी. यदि वो सेटिस्फाई होती है तो ये 1, 2 उस पर लाइज करेगा. हमें वो इक्वेशन लिखनी है बेटा जिसमें 1, 2 क्या हो रहा होगा बेटा, सेटिस्फाई होगा. सेटिस्फाई का मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रही होगी. तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, कंसिडर कर ली, कैन टेक द इक्वेशन कंसिडर की x + y = 3 पहली इक्वेशन.
तो x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, मैंने एल एच एस में वैल्यू पुट की, x के रिप्लेस पे इसने गिवन किया मुझे 1, y के रिप्लेस पे उसने गिवन किया हुआ 2। ओके बेटा, जब मैंने x के रिप्लेस पे 1 और y के रिप्लेस पे मुझे इसने 2 गिवन किया हुआ है, तो मैंने पुट कर दिया बेटा, देखो एल एच एस में x के रिप्लेस पे 1, y के रिप्लेस पे 2, दोनों का सम कितना गया 3। तो देखो यहाँ पे भी कितना था 3, यहाँ पे भी कितना गेट हो गया आपके पास 3। तो एल एच एस किसके इक्वल होगी बेटा, आर एच एस के। इस टाइप से और भी इक्वेशन लिख ली मैंने, वी कैन ऑल्सो टेक y इज इक्वल टू 2x, x के रिप्लेस पे देखो y इज इक्वल टू 2x है, तो आप एक काम कीजिए, y इज इक्वल टू जो 2x है आपके पास, इसमें y कितना था आपके पास 2, देखिए यहाँ पे y कितना है, पहला पॉइंट हमेशा ऑलवेज x का, सेकंड पॉइंट हमेशा किसका होता है बेटा, y का होता है। ओके बच्चे, तो देख बच्चे y की वैल्यू कितनी होगी 2 इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू कितनी आपके पास, x की वैल्यू बताओ कितनी 1, तो 2 1 जो कितना हो गया 2, तो 2 इक्वल टू किसका होगा 2 का, यानी एल एच एस इक्वल टू किसका होगा बेटा, आर एच एस के। तो इस तरीके से आप लोग इस कंडीशन को हम सॉल्व कर सकते हो, तो इस तरह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इससे मुझे गेट हो जाएंगे इस लाइन इस इक्वेशन के, ठीक है ना, यानी जो पॉइंट है तो ये इनफाइनाइट मैनी लाइन पर डिफाइन करेगा बेटा, बहुत सारी इसकी लाइनें ही होंगी जिस पर डिफाइन करेगा बच्चों। ओके, क्लियर हो गया बेटा। तो जब भी सर कोई क्वेश्चन पूछेगा ना कि ये पॉइंट किन किन लाइनों पर लाइज करता है, तो इनफाइनाइट लाइनेज होंगी उसके लिए, बस उसको दिखा देना कि लाइज करने का मीनिंग क्या है, कि वो उस इक्वेशंस को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या करना चाहिए बेटा, वो सेटिस्फाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है, स्टडी द ग्राफ्स गिवन इन फिगर केयरफुली एंड सेलेक्ट द इक्वेशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन अगेंस्ट ईच ग्राफ बिलो। आपको कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक ग्राफ आपको गिवन होगा, ये उसने आपको एक ग्राफ गिवन कर दिया, वो कह रहा है कि ग्राफ गिवन है जिसपे पॉइंट लाइज कर रहे होंगे, पॉइंट लाइज करने के बाद वो ये कहना चाह रहा है बेटा कि आप ये बताओ जो पॉइंट लाइज कर रहे हैं ये किसकी इक्वेशंस के पॉइंट हैं, ये बताने हैं आपको। इसने ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये इसने ऑप्शन लिख दिया, तो बताना है आपको ये किस जो पॉइंट गिवन किए हुए हैं, जिस लाइन पर गिवन है उस लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको, यानी लीनियर इक्वेशन बतानी है जिस पे आपने डिफाइन किए हुए, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की ना बेटा, ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है आपने, इस लाइन के बारे में बताना है आपको, ठीक है ना, जो इसने ये लाइन ड्रॉ की है, ये वाली लाइन, इस पे पॉइंट लाइज करे 1, 2 और -1, -2, ये बताना है कि ये जो लाइन ड्रॉ की गई है जिस पे जो तुम्हें पॉइंट लाइज किए 1, 2, -1, -2, ये किस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, यानी लीनियर इक्वेशन चेक करनी है। लीनियर इक्वेशन चेक करने का मैंने अभी आपको समझाया बेटा, जब पॉइंट गिवन होते हैं तो हमें लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, उसकी LHS और उसकी RHS दोनों को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS इक्वल प्रूफ हो गया था, यानी गिवन दीज पॉइंट्स आर लाइज ऑन द गिवन इक्वेशन, यदि वे लाइज कर गए उस गिवन इक्वेशन पर, तो इट मीन्स उस इक्वेशन को क्या कर जाएंगे बेटा, वे सेटिस्फाई। क्लियर होगी बात। तो पहला ऑप्शन मैंने चेक किया, यहाँ पे देख बेटा उसने क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फिर मैंने लिखा नेक्स्ट इक्वेशन पॉइंट है इसके पास बेटा y इक्वल टू 2x, नेक्स्ट है y इक्वल टू x और नेक्स्ट है y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो हमने इस तरह से वेरीफाई करते चले गए बेटा हर पॉइंट को रखते हुए, ठीक है बेटा। तो मैंने इसमें समझाने की कोशिश की, क्या मैंने एक पॉइंट समझ लिया कि मुझे पता था कि बेटा ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं लाइज करेगा, रीज़न क्या है समझा देता हूँ। देखो मैंने लिखा 0.100, क्योंकि लाइन देखो यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट भी आएगा, कभी ये पॉइंट भूल जाओ, क्योंकि गलती क्या होती है, ये वाला पॉइंट भूल जाता है हम, ओरिजिन वाला पॉइंट, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट करें, किस पॉइंट में मीट करती है, ओरिजिन पॉइंट में मीट करती है, इसलिए ये तीसरा पॉइंट भी है। तीसरा पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू हो रही है ओरिजिन से, इसलिए ओरिजिन भी काउंट होगा बेटा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, तो इसलिए हमने ओरिजिन पे लेंगे, तो पॉइंट क्या क्या आ गया, 0, 0, 1, -1, -2 विच लाइज ऑन पासिंग थ्रू द y इक्वल टू 2x। कैसे y इक्वल टू 2x से पासिंग थ्रू हो रही है, देखिए पहला पॉइंट लिया मैंने 0, 0 को, क्या लिया बेटा आपने 0, 0 को, जब आपने 0, 0 को यूज़ किया तो देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा y इक्वल टू 2x में, LHS में लिखा y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0, ठीक है, x की वैल्यू भी कितनी 0, तो 0 इक्वल टू कितना आ गया 0 पहला पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट कितना था 1, 2 पाई है, y के रिप्लेस पे आ गया 2, x के रिप्लेस पे आ गया 1, तो कितना आ गया 2, 1, 2, फिर x के रिप्लेस पे -1, y के रिप्लेस पे -2 पुट कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ गया -2, यानी ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर गया, सेटिस्फाई। बाकी की किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करने के, चाहे यहाँ पुट कर लेना, चाहे यहाँ पे पुट कर लीजिए, चाहे यहाँ पे पुट कर लीजिए, बाकी किसी को इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जिसमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होंगे वही उसकी इक्वेशन होगी। ये नहीं कि आप कहते हो कि सर एक पॉइंट लाइज कर गया तो क्या इसकी इक्वेशन होगी, नहीं बेटा, एक पॉइंट लाइज नहीं होना चाहिए, तीनों पॉइंट लाइज होने चाहिए जो उस लाइन पर ड्रॉ किए गए होंगे, जो लाइन ड्रॉ की जा रही है और उस पर जो पॉइंट लाइज हो रहे हैं वे सभी पॉइंटों से वो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए।
ध्यान रखना, एक पॉइंट यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये उसकी लीनियर इक्वेशन है। नहीं बेटा, जितने भी पॉइंट उस लाइन पर रिलाइज करेंगे उन सभी पॉइंटों से वो इक्वेशन को क्या करना होगा, हमें सेटिस्फाई कराना होगा। क्लियर होगी बच्चे बात यहाँ तक? ठीक है बेटा, यदि आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो अब क्लियर होगा बेटा किस तरह से डील करेंगे। तो जब भी सही कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना आपको सभी को पुट करना, क्योंकि मुझे तो पता था बेटा इसलिए मैंने इसमें पुट करके डायरेक्ट कर दिया। आपको नहीं पता होगा तो आप सबको चेक करेंगे, पहले सब में पुट कर करके देखेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को पुट करेंगे, इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, फिर सेकंड में पुट करेंगे, इसमें सबको सेटिस्फाई करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे, फिर फोर्थ में पुट करेंगे, जोन सा भी एक क्लिक कर जाए वही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बेटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपको हर क्लास में मिलेगा बेटा समझने के लिए, और अब भी फिर भी समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, जब भी एज के क्वेश्चन को डिफाइन किया जाता है तो एज के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होता है बेटा, एज के क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना होता है कि यदि क्वेश्चन में आफ्टर आ जाए या हैंस वर्ड यूज़ हो जाए तो यानी वो बाद में, यानी उसमें प्लस होता है, बिफोर आ जाए या एगो आ जाए तो उसमें हमेशा माइनस होता है। जस्ट एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझता हूँ। मैंने कहा अभी आपकी एज 20 ईयर्स की है, ठीक है, मेरे बता बेटा 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, एगो 5 ईयर्स, तो अब क्या करेंगे इसमें 5 माइनस कर देंगे तो कितनी होगी 15। क्यों, क्या माइनस किया, क्योंकि पहले पूछो तो माइनस करेंगे। मैं पूछा बेटा अब बता बेटा 5 ईयर्स बाद कितनी एज होगी आपकी आफ्टर 5 ईयर्स, तो आप क्या कर देंगे इसमें प्लस, तो कितनी होगी 25 होगी आपकी एज। क्लियर होगी पूरी बात है, यानी आज 20 की तो नेक्स्ट 5 ईयर्स कितनी होगी आपके पास 25, तो आप क्या कर रहे हो उसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चे, जब भी आपके पास प्लस वाली कंडीशंस आती है वो आफ्टर पे आएगी या हैंस पे आएगी, या बिफोर वाली कंडीशन एगो वाली आएगी कंडीशन, उसमें हमेशा क्या करते हैं माइनस करते हैं। ओके बच्चे, तो अब एग्जांपल समझते हैं, चलिए रीड करते हैं। इसने लिखा है कि आपके पास एग्जांपल में कि शीना इज़ अ नाउ 1/3 ऑफ हर फादर्स एज, जो शीना की एज है वो अपने फादर की एज की 1/3 है। 12 ईयर्स हैंस, यानी 12 साल बाद शी विल बी हाफ एज ओल्ड एज हर फादर, 12 साल बाद वो अपने फादर की एज की कितनी होती बेटा हाफ हो जाती है, पर 12 साल बाद। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, तो मुझे दोनों की क्या बतानी बेटा, एज बतानी है। देखिए पहली कंडीशन मुझे ये नहीं पता कि सीना की एज कितनी है, मुझे दूसरा पॉइंट ये नहीं पता कि उसके फादर की एज कितनी है। तो सबसे पहले मैंने उसके पहले फादर की एज को काउंट किया, कितनी हो गई एक्स, फादर की एज यदि एक्स है तो पहला पॉइंट क्या लिखा था कि जो सीना है वो अपने फादर की एज की कितनी कही थी तुमने, 1/3 कह रखी है। शीना फादर की एज कितनी है एक्स, तो शीना की एज कितनी होगी इसकी 1/3, यानी एक्स अपॉन 3। क्लियर होगी बात, पहली कंडीशन। 12 ईयर्स हैंस, यानी 12 साल बाद के बारे में बात चली है, जब मैं 12 साल बाद बात करूँ तो यानी पहले 12 साल बाद फादर की एज कितनी होगी, देखो 12 ईयर्स हैंस द एज ऑफ फादर, पहले एज कितनी थी फादर की एक्स, 12 साल बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 12। क्लियर होगी, शीना की एज कितनी थी पहले एक्स प्लस 3, आफ्टर 12 ईयर्स कितनी हो जाएगी एक्स अपॉन 3 प्लस 12। क्लियर होगी बात। अब उसने क्या कहा, जो शीना है वो अपने फादर की एज की, जो शीना है वो अपने फादर की एज की, फादर कितने था एक्स प्लस 12, शीना कितनी थी एक्स प्लस 3, तो शीना जो है अपने फादर की एज की कितनी होगी 1/2 लिखा ना उसने, हाफ हो जाती है, क्या होती है बेटा हाफ, तो आप इसका क्या कर देना हाफ कर देना, तो यानी एक्स अपॉन 3 प्लस 12 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस 12, फादर की एज की जो शीना है ना वो अपने फादर की एज की कितनी हो जाती है हाफ हो जाती है। ये ध्यान रखना, शीना की एज एक्स अपॉन 3 प्लस 12, फादर की एज एक्स प्लस 12, और डिवाइड कर दीजिए कितने से 2 से, तो शीना की एज आ जाएगी। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करना आपको इजीली आता ही है बेटा, क्योंकि आप लोग 8 क्लास से स्टडी करते बारे कैलकुलेशन में आपको स्ट्रांग होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो आपने एलसीएम ले लिया बच्चे, इसमें इस साइड का एलसीएम लेके, एलसीएम लेके कैलकुलेट किया, वेरिएबल वाले वन साइड कर लिए, नंबर नंबर वन साइड करके वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, एक्स कौन था फादर की एज, एक्स फादर एज होगी तो शीना की एज कितनी हो गई, यहाँ पुट कर दीजिए एक्स अपॉन 3 में, तो एक्स की वैल्यू 36 अपॉन 3 कितना गेट हो गया 12। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे बेटा, एज के क्वेश्चनों को डील करेंगे। ओके बच्चों, तो आज आपने ये सारा प्रोसेस सीख लिया बेटा कि टेम्परेचर के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, वर्क का क्वेश्चन आ जाए, वर्क फोर्स का कॉन्स्टेंटली प्रोपोजनल वाला क्वेश्चन आए तो कैसे डील करेंगे, एक पॉइंट गिवन हो उससे इक्वेशंस बतानी हो और ग्राफ पर पॉइंट लाइज कर तो उससे इक्वेशन बतानी हो, वो सीख लिया आपने, एजेस के क्वेश्चन को डील करना सीख गया बेटा। ओके बच्चों, तो कोई भी डाउट हो बेटा मुझसे डिस्कस कर सकते हो बच्चों, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा।